ओके तो हमने इस क्लास इससे लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने ईएम वेव्स, ईएम वेव्स हमने खत्म कर चुके हैं हम ईएम वेव्स, ईएम वेव्स को हम खत्म कर चुके हैं। तो ईएम वेव्स पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, असाइनमेंट दिया था, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। असाइनमेंट किया सबने जो क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क वाले। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स एक वेव ऑप्टिक्स। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे लाइट के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा देखेंगे डिफरेंस इन रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स होती क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के कारण इमेज में कैसे फॉर्म होती है प्लेन मिरर में। सिमिलरली उसके बीच पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लेन मिरर। तो आज हम इतना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को आपने देखा होगा कि ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नंबर वन रे ऑप्टिक्स और नंबर टू वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का काफी ज्यादा यूज होता है, ज्योमेट्री का काफी ज्यादा यूज होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। रे का मतलब क्या है, इसमें हम रे ऑप्टिक्स में हम मानते हैं कि जो हमारी लाइट चलती है ना, लाइट चलती है एक रे के फॉर्म में चलती है, रे मतलब स्ट्रेट लाइन में चलती है, और वेव में हम मान के चलते हैं कि लाइट जो है ना हमारी ऐसे चलती है, ऐसे वेव के फॉर्म में चलती है। अभी हम पढ़ने वाले हैं रे, इसलिए हम रे के बारे में डिस्कस करेंगे, वेव के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जैसे मान लो लाइट की वेवलेंथ है 10 to the power minus 10 मीटर है, तो जो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन होगी ना, ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन होगी वो वेवलेंथ से काफी ज्यादा बहुत बड़ी होगी। जैसे मिरर है, मिरर मिरर आप जब घर में खड़े होते शीशे के सामने, बड़ा होता है कि नहीं होता है? Yes, होता है ना, उसी मिरर की बात करूं। प्रिज्म है, लेंसेज हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे किसमें, रे ऑप्टिक्स। सिमिलरली हमारा वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट आज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। आपने देखा होगा वेव ऑप्टिक्स का एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कभी देखा कि आपने कभी क्लास ले रहे हो या स्कूल में कभी छत में एक होल हो जाए, छोटा सा छत में क्या हो जाए, एक छोटा सा होल हो जाए, बहुत छोटा सा, उसमें से लाइट आती हुई दिख रही हो आपको, दिखती है? Yes, sir. छत yes, में sir. चलो, जैसे रोशनदान होते हैं जहां से धूप आती है घर के अंदर, yes, sir. तो देखिए वहां पे मान लो आपने ढक दिया, वहां पे एक जिस कपड़े से या फिर मान लो आपने बरसात से किसी से ढका है, उसमें एक हल्का सा छोटा सा होल हो गया। तो होल मान लो हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर डायमीटर का, लेकिन जमीन पे आने के बाद में जो धूप पड़ती है जमीन पे, क्या वो बड़ी हो जाती है थोड़ी सी? यस सर, होती है ना? तो वो किस कारण से होती है, वेव ऑप्टिक्स का नेचर। तो हम वहां पे देखते हैं कि हमारा कुछ वेव जो है ना, लाइट है ना, वेव का नेचर भी शो करती है। जैसे अब की होल होता है, की होल जहाँ पे चाबी फंसाते हैं, वैसे जो गेट होते हैं ना, वैसे वाले गेट जिनमें लीवर वाला लॉक होता है, उसमें लंबी वाली चाबी फंसा देते हैं, गेट को खोल देते हैं, और वैसे लटकाने वाले ताले की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वाले की बात कर रहा हूँ। तो उसमें से अगर आप लाइट को बैटरी से टॉर्च लगाओगे और अंदर अंधेरा हो तो आप देखोगे अंदर की तरफ लाइट जाती है, लेकिन अंदर के जाने के बाद वो थोड़ी सी फैलती है। आप कभी देख लिया अगर किसी घर पे हो ऐसा, तो आप उसमें बाहर से टॉर्च लगा के, एक बंदे को टॉर्च लगाने के लिए छोड़ देना बाहर और अंदर कर लेना अंधेरा, तब आप देखोगे कि उस की होल में से लाइट पास हो रही है अंदर की तरफ, वो अंदर जाके थोड़ी सी फैल जा रही है। तो उस नेचर जो, जब वो नेचर हमने देखा तो हमने बोला यार लाइट रे की फॉर्म में भी चलती है और वेव नेचर भी शो कराती है, वेव का नेचर भी शो कराती है। तो हम इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट, आपके जो ऑब्जेक्ट होंगे उनका साइज बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट के, वेवलेंथ ऑफ द लाइट के, जैसे डायमीटर होल, स्मॉल, वेरी स्मॉल डायमीटर का होल हो, स्लिट होल हो। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे इसमें, वेव ऑप्टिक्स में,
यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो उसमें हम सारी चीज क्या पढ़ेंगे, एक छोटे से होल से लाइट को पास कराएंगे, फिर हम वहां पर नेचर देखेंगे लाइट का, कैसे कैसे लाइट बिहेव कर रही है, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, वेव ऑप्टिक्स। समझ में आई बात? ऑप्टिक्स को कैसे डिवाइड किया, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में, अभी हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स को, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे हम बाद में। तो अब हम आते हैं सबसे पहले लाइट पर। लाइट क्या होती, क्या होती, कोई लाइट बताएगा मुझे क्या होती? सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोवाइड्स द सेंसेशन ऑफ साइट। सोर्स ऑफ एनर्जी है, सेंसेशन ऑफ लाइट भी दिखती है। देखो एक सिंपल डेफिनेशन आप लिखी हुई है ऊपर, देखो लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अलाउ ह्यूमन आई टू सी और मेक सम ऑब्जेक्ट विजिबल। यानी कि हम लाइट, देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा था उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, जो आपका स्पेक्ट्रम है सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, लेकिन लाइट हम स्पेसिफिक कितने से कितने, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ही हम बोलते हैं क्या, लाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसी लाइट को देख सकते हैं, उससे कम की को नहीं देख सकते वेवलेंथ को, उसके ज्यादा की वेवलेंथ को नहीं देख सकते, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। और देखो एक चीज और बताऊं मैं, लाइट हमेशा इनविजिबल होती है। लाइट क्या होती है, इनविजिबल होती है। अब देखो बहुत बच्चों का दिमाग घूम रहा होगा, सर लाइट इनविजिबल कैसे हो सकती है, लाइट से तो हमें सब दिखता है। देखो लाइट हमें देखने में हेल्प करती है लेकिन खुद इनविजिबल होती है। आपने देखा होगा टीवी में देखा होगा, या फिर कभी स्पेस की फोटो देखी है आपने कभी, स्पेस की जो नासा कभी वो करता है, जैसे मान लो चंद्रयान के फोटो जो दिखाए थे, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था, अंधेरा था कि नहीं, क्यों था अंधेरा पता है आपको, क्यों था, क्योंकि लाइट जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी नहीं तब तक वापस नहीं आएगी, क्योंकि लाइट खुद नहीं दिखती। लाइट अगर लाइट का कोई कलर होता, कलर इन द सेंस कि लाइट अगर इनविजिबल नहीं होती तो मेरे और कैमरे के बीच में लाइट है कि नहीं है, है कि नहीं लाइट, मैं स्क्रीन के सामने खड़ा हूं बैठा हूं और कैमरा मेरे से थोड़ा सा दूर है, मेरे और कैमरे के बीच में लाइट है, इसका मतलब अगर लाइट इनविजिबल नहीं होती तो आप मुझे नहीं देख पाते। समझ रहे हो बात को? यस सर। हम बोलते हैं लाइट आपकी इनविजिबल होती है, और लाइट हम कितनी लाइट देख सकते हैं, जितनी लाइट हम विजिबल हम लोग देख पाते हैं उसी लाइट, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी लाइट को हम देख पाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम देख पाते हैं उनको हम लाइट बोलते हैं। तो उसकी वेलोसिटी हमने देखी थी, कल देखी थी ना लास्ट क्लास में। यस सर। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी कैसे निकाली थी, फॉर्मूला बताओ मुझे, सी का फॉर्मूला बताओ, क्या था फॉर्मूला सी का बताओ, रिवाइज करके आया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। वन अपॉन कुछ था, वन अपॉन अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट निकाला था, ये मैक्सवेल ने निकाली थी कि नहीं? यस सर। तो पढ़ के नहीं आए हो। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज विजिबल क्या होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, या फिर मैं बोलूं कि 400 एंगस्ट्रॉम से 700 एंगस्ट्रॉम। देखो रे ऑप्टिक्स में हमेशा मान के चलते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, हम ये मान के चलते हैं किसमें, रे ऑप्टिक्स। और जो लाइट अगर एक सिंगल बीम जा रही है, एक सिंगल लाइट जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। अगर मोर देन वन बीम जा रही है, मोर देन वन लाइट जा रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। जैसे कि काफी सारी लाइट, टॉर्च से जब लाइट जलाते हो आप, तो क्या जाती है, लाइट रे जाती है कि बीम जाती है, बीम जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी लाइट का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारी लाइट का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल अवे फ्रॉम द सोर्स, अवे फ्रॉम द सोर्स का मतलब
अवे फ्रॉम द सोर्स का मतलब कोई बताएगा? अवे फ्रॉम सोर्स, जो जहां से लाइट प्रोड्यूस हो रही है वहां से, वहां से हमेशा दूर की तरफ जाती है। जैसे सन है, सन से हमेशा दूर की तरफ भागती है लाइट। जैसे बल्ब है, बल्ब से हमेशा दूर, ऐसा कभी होता है बल्ब जलाया आपने, बल्ब की तरफ लाइट भाग रही हो तो चीज आपको दिखेंगी नहीं, हमेशा आपके बल्ब, बल्ब जैसे जलाया आपसे, बल्ब से दूर की बाहर की तरफ निकलेंगी। तो हम हमेशा बोलते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल अवे फ्रॉम द सोर्स। क्लियर है? अब हम देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि ये सारी आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे वैसे। Yes, sir. कुछ बच्चों को याद नहीं हुआ कि हाई स्कूल की सर दो साल होने को है, हमें याद नहीं, इसीलिए मुझे दोबारा करवाना पड़ रहा है। देखो, लाइट जब सिंपली किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो क्या क्या होता है उसके साथ? जैसे लाइट आपकी किसी ऑब्जेक्ट सरफेस से टकराई, सरफेस से टकराने के बाद एक ऑप्शन ये है कि उसी मीडियम में वापस चली जाए। जैसे ये लाइट गिरी, उसी मीडियम में वापस चली गई ये येलो लाइट दिख रही फर्स्ट वाले में। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली दूसरा ऑप्शन ये है कि लाइट आई और किसी और दूसरे मीडियम में चली जाए, जैसे लौट के न जाके उसी मीडियम में चली जाए। उसको हम बोलते क्या, रिफ्रैक्शन बोलेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे हम, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन, उस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। सिमिलरली एक और चीज है एब्जॉर्ब, जैसे लाइट आई सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाए किसी ऑब्जेक्ट में। एब्जॉर्ब का मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि सोलर पैनल होते हैं, सोलर पैनल सोलर क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करते हैं। तो हम मान के 100% नहीं होती, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि वहां पे लाइट काफी सारे हद तक एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सिमिलरली फोर्थ आता है ट्रांसमिटेड का मतलब क्या है, जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट डाली तो या तो वो हो सकता है डिफ्यूज हो जाए, डिफ्यूज मतलब एक बीम में डाली थी, काफी सारे बीम में टूट जाए। आपने देखा होगा, अब लाइट को किसी कपड़े पे डालना, लाइट को जैसे कोई शर्ट है आपकी, शर्ट रंगी हुई है, रूम में अंधेरा है, उस शर्ट पे टॉर्च से लाइट मारना तो उस साइड पे लाइट जो दिखेगी ना आपको डिफ्यूज हो जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी कि नहीं, सीधी बीम स्ट्रेट बीम हो जाती है, स्ट्रेट बीम नहीं रहेगी। सिमिलरली वो लाइट हमारी स्ट्रेट बीम भी रह सकती है, कब, जब आप मान लो एक ट्रांसपेरेंट चीज से या फिर ट्रांसपेरेंट चीज से या फिर कोई रेगुलर ट्रांसमिशन मटेरियल हो, जैसे ग्लास पे आप लाइट डालोगे, ग्लास सिंपल ग्लास खिड़कियों वाला, उस ग्लास पे आप डालोगे लाइट, क्या सीधी पास हो जाती है, होती कि नहीं? पॉलीथीन होती है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है, उसके अंदर मारो लाइट आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन पे, सीधे पास हो जाएगी, सीधे स्ट्रेट बीम रेगुलर बीम रहेगी वो, जैसे आप भी लाइट डालोगे वैसे के वैसे ही रहेगी। तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं, धीमे धीमे हम चारों चीजों को पढ़ेंगे, पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर रिफ्रेक्शन पढ़ेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन और फिर ट्रांसमिटेड, कुछ ऐसी सारी चीजें हम धीमे 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 करके सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने सिक्वेंस बताया कि ऐसे ऐसे चीजें लाइट हम किसी ऑब्जेक्ट पे किसी सरफेस पर डालते हैं उसके साथ ये चीजें हो सकती हैं। क्लियर है? अब हम आते हैं मेन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है, देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो स्कूल में आपने पढ़ा होगा, ये स्कूल में पढ़ा है, टेंथ में पढ़ा है, टेंथ में पढ़ा होगा आपने, स्कूल में भी तो हुआ होगा, लाइट अप लाइट चैप्टर अभी नहीं पहुंचे सर। नो सर, पहुंचे नहीं है, ठीक है सर। देखो, व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट की जाती है, सेपरेशन ऑफ मीडिया, जैसे कि नीचे कोई और मीडियम है, ऊपर कोई और मीडियम है, तो जैसे ही सरफेस पे लाइट गिराई, उसी सरफेस में अगर वापस आ जाए, उसी सरफेस में बाउंस बैक का मतलब वापस आ जाए उसी सरफेस में, उसी मीडियम में अगर वापस आ जाए, जिस मीडियम से हमने भेजी है उसी मीडियम में अगर वापस आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब सीधा सीधा होता है कि उसी मीडियम में वापस आ जाए, उसी मीडियम में वापस आ जाए, जिस मीडियम से भेजी है उसी मीडियम में अगर वापस आ गई, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोले। अब देखो, हम किसी एंगल पे भी डाल सकते हैं लाइट को, तो हमने माना
कि ये एक नॉर्मल है जो कि सरफेस के जिस सरफेस पे हम डाल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर एक सरफेस है। ये जो एन है ना, ये क्या है, इधर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सरफेस से और इधर से भी 90 डिग्री का एंगल। तो हमने देखा कि हमने ये टॉर्च किसी एंगल पे पकड़ रखी और हमने लाइट डाली इस पर, लाइट डाली तो हमने देखा कि ये जो लाइट आई एंगल बना रही है नॉर्मल से, नॉर्मल से जो एंगल बना रही है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल। सिमिलरली ये जो आर इसमें टकराने के बाद में जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है और जो लाइट नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? यस सर। आगे बढ़े? यस। अब इसके लॉ होते हैं कुछ, इसके कुछ लॉज होते हैं कि भाई कुछ लॉ भी तो होंगे कैसे इंसिडेंट करता है, किस कितना एंगल होता है, आई एंगल की वैल्यू क्या होती है, आर एंगल की वैल्यू क्या होती है, ये सारे लॉ भी होते हैं। होता क्या है, जैसे आपने कोई लाइट गिराई इस पर, जैसे कोई सरफेस है इस पर आपने लाइट गिराई और यहां से टकरा के ऐसे गई, ये आपने लाइट गिराई यहां से टकरा के ऐसे गई, ये क्या आपका नॉर्मल, नॉर्मल सीधा नहीं बना, ठीक है, ये हमारा आर एंगल है, ये क्या है आपका आई एंगल। तो फर्स्ट लॉ कहता है इसका, फर्स्ट लॉ कहता है कि जो आई होगा वो आर के इक्वल होगा, आई इक्वल टू आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। और उसने बोला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड लाई एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। लाई इन द सेम प्लेन का मतलब क्या है, जैसे कि ये कार्टून दिख रहा है आपको, yes, जैसे मान लो मेरी इंसिडेंट रे इधर आ रही है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और ये मेरा कोई नॉर्मल है, ये मेरा कोई नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल रही है, तो क्या ये सेम प्लेन में है, तीनों इसी प्लेन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यस सर। इंसिडेंट रे ऐसे ऐसे आ रही है और ये मेरा कोई नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल रही है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल रही है। मेरा अभी पेन पता नहीं कहाँ चले गए, तीनों पेनों को दिखा देता हूँ, कोई पेन मिल नहीं रहे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेम प्लेन मतलब एक प्लेन में आ जाए, इसी प्लेन में आ रही है तीनों चीजें, तो ये बोल रहा है कि तीनों चीजें हमेशा एक ही प्लेन में लाई करती हैं, सेम प्लेन में लाई करती हैं। और थर्ड लॉ बोलता है द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। भाई अपोजिट साइड जो होती है तो हमें पहले ही दिख रहा था, ये लेफ्ट साइड में है तो नॉर्मल के ये राइट साइड में रिफ्लेक्टेड रे है कि नहीं, ये क्या है इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आई बात? यस। किसी को कोई डाउट है, हैंड रेस किया है किसी ने? सर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री पे होगा तब? हाँ हाँ बताऊंगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री पे है तो सोचो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री होगा। जैसे आपने लाइट को ऐसे गिराया, ऐसे गिराया, ठीक है, तो लाइट ऐसे कैसे ही वापस हो जाएगी। सर फिर थर्ड लॉ कैसे वैलिड होगा? कैसे मतलब? सर नॉर्मल के ऑपोजिट साइड में बोला ना? नहीं नॉर्मल, ये आपकी लाइट आई, ये बाउंस बैक करती है ना उसी प्लेन में, ये जीरो एंगल होगा एक्चुअली में, वो 90 डिग्री तो ये होगा ना लाइट जब ऐसे आएगी। अरे नॉर्मल मान लो ये है, ये आपका नॉर्मल हो गया, हो गया नॉर्मल? यस नॉर्मल हो गया। और अगर ये वाला एंगल होगा ना 90 डिग्री, होगा कि नहीं? 90 डिग्री नॉर्मल से जो हमारी रे एंगल बनाती है क्या वही होता है इंसिडेंट एंगल? आप कह रहे हो कि इंसिडेंट एंगल को मैं 90 डिग्री कर दूं, 90 डिग्री अगर इंसिडेंट एंगल को कर देता हूं तो क्या ये रिफ्लेक्ट होगी रे? आप बताओ, अगर किसी सरफेस के पैरेलल में लाइट गिरा दूं क्या ये रिफ्लेक्ट होगी? टकरानी भी तो चाहिए ना सरफेस से। नो सर, स्ट्रेट चल जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी,
रिफ्लेक्ट होगी ही नहीं। अगर आप इस लॉ को अगर वो करना चाहते हो कि रिफ्लेक्शन करवाना है आपको, रिफ्लेक्शन करवाना है तो आपको 90 डिग्री से अलग एंगल रखना पड़ेगा, कुछ भी एंगल रखो, कुछ भी एंगल रखो, समझ रहे बात को। और अगर आपकी स्ट्रेट आती है, अगर लाइट आपकी स्ट्रेट आती है सीधा बाउंस बैक करती है लाइट, अगर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है पूरा तो लाइट क्या करती है सीधा बाउंस बैक करती है, इसको हम बोलते हैं बाउंस बैक इन द सेम सरफेस, सेम मीडियम बाउंस बैक करती है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी इमेज कहाँ बनती है? क्या यहाँ पे बनती है? फर्स्ट ऑप्शन, क्या यहाँ पे बनती है? बोलो यस और नो। नो सर, यहाँ पे नहीं बनती। क्या यहाँ पे बनती है इमेज? मान लो ये मैंने कैंडल रखी है उसके सामने, इसकी इमेज क्या यहाँ पे बनेगी या फिर यहाँ पे बनेगी या फिर यहाँ पे बनेगी? अच्छा रुको, कितने लोग बोल रहे हैं फर्स्ट वाला नीचे बनेगी? फर्स्ट वाला कितने लोग बोल रहे हैं? हैंड रेज करो। कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं। सेकंड वाला कितने लोग बोल रहे हैं कि मिरर के ऊपर ही इमेज बनेगी? सर हमें तो मिरर के ऊपर ही दिखती है अपनी शक्ल, हमें तो ऐसा नहीं है इधर उधर दिखती है। अच्छा थर्ड ऑप्शन कितने लोग साथ है थर्ड वाले के, कि मिरर के पीछे इमेज बनेगी? कितने लोग बोल रहे हैं? 15 लोग। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मतलब आपको 10th का थोड़ा सा याद है। वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, वेल डन सब बच्चों के लिए। किसी ने आंसर नहीं दिया गलत के साथ में, कोई भी नहीं आया, मुझे इस बात की खुशी हुई कि फर्स्ट और सेकंड के कंडीशन के साथ में कोई भी नहीं गया, बहुत अच्छे। तो एक्चुअल में ये इमेज बनेगी आपकी। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा पीच आगे इधर फोटो दिख रहा है, इससे आपको कुछ समझना चाहिए। देखो मिरर से यहाँ तक ये जो ग्राउंड है वो भी मिरर के अंदर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और देखो आप देखोगे यहाँ पे हाइट भी आपको लमसम लमसम बराबर है, हाइट भी मिरर के अंदर उतनी ही दिख रही है इसकी, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इससे आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि मिरर मिरर के पीछे इमेज बनेगी, क्योंकि अगर मिरर पे बनी हुई होती इमेज तो ये वाला एरिया कौन दिखाता, ये वाली डिस्टेंस कैसे दिख जाती इसमें, ये वाली डिस्टेंस नहीं दिखनी चाहिए थी मिरर के अंदर, है कि नहीं? बोलो यस नो, कुछ तो बोला करो। तो हमारे एक्चुअल में वर्चुअल इमेज बनेगी जो कि कहां बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। और देखो एक चीज और, जो आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस मिरर से होगी आपकी इमेज की भी उतनी ही डिस्टेंस होगी, इमेज की भी उतनी ही डिस्टेंस होगी किससे, मिरर से। मिरर से जितना डिस्टेंस आपकी ऑब्जेक्ट की होगी मिरर से, उतना ही डिस्टेंस होगी आपकी इमेज की मिरर से। आप देख पा रहे होगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मान लो u इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो आपकी मिरर डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और देखो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल एंड हाइट ऑफ एक्चुअल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट भी एक्चुअल हाइट की, जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये हाइट भी 10 सेंटीमीटर होगी। क्या ऐसा होता है कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, नॉर्मल शीशा है, मिरर नॉर्मल मिरर है, कि आपको 6 फुट के आपको दिख रहा है 2 फुट का, अपनी हाइट 2 फुट दिख रही है? नो सर, नहीं होता ना ऐसा? नो सर, घर में ड्रेसिंग, जो ड्रेसिंग टेबल लगी है उसमें तो नॉर्मल दिखता है सब कुछ, जितनी हाइट आपकी होती है उतनी होती है, जितना पीछे जाते हो मिरर भी आपके उतना ही पीछे जाने लगती है, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर, आज बेसिक चल रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन को हवा में उड़ा दो, एक मिनट, एक सेकंड का क्वेश्चन उड़ा दो इसको जल्दी से, तो उड़ा दो इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है भाई, पेन उठाना नहीं है, पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं उठाना, सबके हैंड डाउन कर रहा हूं।
सर हाइट 5 होगी और डिस्टेंस 10 होगा. द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 10 सेंटीमीटर. व्हेन कैलकुलेट द हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर. हमने अभी देखा कि जो प्लेन मिरर होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मिरर डिस्टेंस दोनों की सेम होती है. देखो जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा क्या उतनी डिस्टेंस पे आपका इमेज भी होगा? यस yes, सर. कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? दोनों डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी? 5 सेंटीमीटर yes, ये तो हाइट है ना, सॉरी हाइट है, ये 10 सेंटीमीटर होगी ना. सिमिलरली आपके ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी क्या वही आपकी इमेज की हाइट होगी? यस सर. क्या हो जाएगी आपकी? 5 सेंटीमीटर. बहुत इजी है, 10th क्लास का क्वेश्चन है एक्चुअली. अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज इन प्लेन मिरर. अब जरा फॉर्मेशन और देख लेते हैं, क्या होता है वर्चुअल इमेज बनती कैसे. देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको देखना है कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है मिरर पे, हमेशा परपेंडिकुलर लाइन. जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, मुझे देखना है कि इसकी इमेज इस मिरर पे कहां बनेगी. तो मैंने क्या किया, इसका एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डाला यहां पर मिल रहा है. तो यहां से एक रे तो मैंने डायरेक्ट डाला, एक रे मैंने डायरेक्ट, चाहे डायरेक्ट डालो चाहे मत डालो कोई दिक्कत नहीं, अगर कहीं और डालना चाहते कहीं और डाल, हम कहीं और डालेंगे रे. मान लो एक रे मैंने ऐसे भेजी और ये ऐसे निकल गई, और देखो सरफेस पे नॉर्मल ये था, तो ये मेरा क्या होगा, आई होगा कि नहीं होगा ये वाला एंगल? यस सर. और ये मेरा क्या होगा, आर होगा, ये मेरा आर एंगल होगा. सिमिलरली मान लो मैंने एक और रे डाली यहां से ऐसे की, एक मैं कलर अलग ले लेता हूँ इसका, मैंने मान लो ऐसे कोई रे ली, क्या वो ऐसे निकल जाएगी? यस ली कि नहीं? yes, देखो इसको yes, इसको अरे टेढ़ा बन गया, वो कुछ ऐसे निकलेगी ऐसे. आपकी ये आपकी क्या yes, रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको जब एक्सटेंड करोगे तो ये रे भी यहीं पे आके मिलेगी. अब देखो होता क्या है, जब आपकी ये रे इससे टकराई तो देखो ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब बनते हैं, सॉरी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कब बनती है, ध्यान रखिए. ये हमेशा हमारा पूरा काम आएगा, आपका लेंस में भी काम आएगा, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, मिरर सब में आएगा. जब आपकी रे एक्चुअल में कहीं किसी पे मिल रही हो, किसी पॉइंट पे एक्चुअल में जाके मिल रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे. और अगर आपकी जो रे है वो एक्चुअल में मिल नहीं रही हो, आपको एक्सटेंड करके पीछे मिलाना पड़ रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे. तो देखो आपकी रे ऐसे गई यहां से टकरा के वापस चली गई, ये ग्रीन रे ऐसे आई और टकरा के ऐसे चली गई, क्या आपको एक्सटेंड करके पीछे मिलानी पड़ रही है ये रे? yes, जिस पॉइंट yes, पे मिल जाए, जिस पॉइंट पे मिल जाए, इसके परपेंडिकुलर लाइन पे जिस पॉइंट पे मिल जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे. समझ में आ रहा है इमेज कैसे बन रही है? अभी और भी yes, तो हमें क्या करना है, उससे रे अटक, रे फॉल करानी है हमें मिरर पे, और उस मिरर से जो रे रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहे उसको एक्सटेंड करना है पीछे. तो अभी हमारा प्लेन मिरर चल रहा है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है. प्लेन मिरर हमारा वर्चुअल इमेज ही बनाता है. जब स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तब काफी सारी चीज चेंज होंगी. तो अभी ये समझ में आया आपको? तो हमने क्या किया, एक तो बेस से परपेंडिकुलर लाइन डाल दी इस पे, ठीक है, तो एक डाल दी हमने इसके हेड से, एक हेड से. तो हमने क्या किया, एक रे ली. एक चीज और बता दूं मैं आपको, अभी रे का कुछ लॉ पढ़ाऊंगा मैं आपको, जिसमें क्या होगा कि अगर कोई रे आपके इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, पोल बोलते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, इस पोल से पास हो रही है तो वो आपकी सीधे नीचे की तरफ निकल जाएगी. तो चलो, तो आपका क्या ये इंसिडेंट, अब ये पॉइंट छोड़ो, अभी टाइम आने पे बताऊंगा मैं, अभी वैसे ही लो, क्या ये आई होगा, आई होगा कि नहीं, आर होगा, क्या ये आर होगा? मैं कोई और रे ले लो, भले जो मन है वहां पे रे लो, जहां पे मन है, यहाँ पे लेना चाहते हो यहाँ पे ले लो रे, यहाँ पे लेना चाहते हो यहाँ पे ले लो, ऐसे गिराओ,
और ऐसे नहीं जाएगी, एंगल भी तो देखना होगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो हमेशा किससे पास करेगी, हेड से पास करेगी। जो हेड से आई है उसकी रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास करेगी, हेड से। ये कुछ ऐसे जाएगी रिफ्लेक्टेड जो भी रे होगी, ये आपका आई होगा, ये आपका आर होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि यहां से जो रे आ रही है, जैसे एक रे यहां पे गई थी, जो आपको याद है हर्ष ने पूछा था कि सर रे अगर ऐसे आएगी तो वो बाउंस बैक हो जाएगी, याद है मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। हमें किसी भी इमेज को बनाने के लिए दो रे की जरूरत पड़ती है, मिनिमम दो रे होनी चाहिए। एक पॉइंट पर अगर दो रे मिल जा रही है हमें तो हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर हम देखेंगे दो रे को ही दिखाएंगे हम, रे एक एक दो नहीं होती, करोड़ों रे होती है। लेकिन हमारी इमेज जो है दो रे से हम लोकेट कर सकते हैं, इसीलिए हम दो रे ही बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इस वाले डायग्राम में क्या किया, इसको हटा दूं सबको, इस वाले डायग्राम में क्या किया हमने कि हमारी एक रे तो यहां से निकाल दी ऐसे करके, ठीक है, ये वापस आ गई। वापस जब आ रही है तो उसी को हमने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया, उसी को क्या किया, एक्सटेंड कर लिया यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर कहीं जाके मिल रही है, मान लो बाहर जाके मिल रही है। तो हमने फिर एक और रे ड्रॉप की, एक और रे ड्रॉप की, वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई तो इसको भी मिला लिया। इसको जैसे ही मिलाया और जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे मिल रही हैं उसी जगह बना दिया हमने कि भाई इसकी इमेज उतनी ही बनेगी। अच्छा मान लो ये अगर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो ये वाली कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, ये भी आपकी 5 होगी। ये अगर 10 है क्या ये भी 10 होगी। अभी देखो और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, अभी और भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी आप एक चीज देखो, हमेशा ये चीज हमेशा प्लेन मिरर में कॉन्स्टेंट सेम रहेगी कि इमेज प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सेम एज ऑब्जेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, सेम एज ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का सिर ऊपर है, सिर ऊपर है तो इमेज का भी सिर हमेशा ऊपर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कभी कि आप जो शीशे में देख रहे हो, आप खड़े हो सीधे, आपके पैर ऊपर दिख रहे हैं, सिर नीचे दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। होता है क्या किसी घर में ऐसा शीशा है क्या? नो सर, नो सर। आई थिंक सबका मिरर सिंपल वाला ही होगा, है ना? अच्छा कैसा होगा अगर ऐसा हो जाए तो मजा आएगा ना बच्चों? नो सर, ऐसा नहीं होता, वो गलत बात है। सेकेंड देखते पॉइंट, द हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी हमने बता देखा था अभी कि हाइट ऑफ इमेज जो थी हमारी वो इक्वल थी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक ही नहीं? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यस सर, पढ़ चुके ना। इट इज लिटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब भी सीधे ही होता है, इन्वर्टेड का मतलब भी सीधे होता है। क्लियर है इतना सबको? एक चीज हमेशा याद रखना, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। ये 3-4 पॉइंट है, इनको याद रखना है। अभी इमेज फॉर्मेशन और आगे आएगा, अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। प्लेन मिरर में वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं, आपने देखा होगा गाड़ी के साइड में शीशा लगा होता है कि नहीं? Yes, शीशा होता है। yes, जब पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, चलती हुई चीजों को हम कैसे देखते हैं उसमें, ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी, ठीक है? yes, ये क्वेश्चन करो।
आई थिंक ज्यादातर लोगों का ऑप्शन ए आया है ना. यस सर. अब यहाँ पे हम देखेंगे डेविएशन. अब देखो एक नया पॉइंट आने वाला है, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था. ये एक नया पॉइंट आने वाला है. अब यहाँ पे हमने पूछा है डेविएशन, न कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पूछा, हमने पूछा डेविएशन. देखो ये ब्लू कलर लेते हैं. मान लो ये सरफेस है और ये रहा आपका नॉर्मल, ठीक है. यहां से लाइट गिर रही है इसके ऊपर, गिर गई 30 डिग्री पे. यस सर. यस सर. 30 डिग्री पे गिर गई लाइट. जा रही है अब कैसे, ऐसे जाएगी. ये इंसिडेंट रे थी, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड. ये एंगल क्या होगा, ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा ना. इसमें ये भी 30. देखो डेविएशन किसको बोलते हैं, एक्चुअल में कहां जाना चाहिए था इस लाइट को, कहां जाना चाहती थी ये, क्या ऐसे जाना चाहती थी. यस यस एक्चुअल में ये क्या था, एक्चुअल पाथ था. ये इसका एक्चुअल पाथ था. एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हुई उसको क्या बोलते हैं हम, डेविएशन. एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हुई है जरा देखो, क्या ये वाला एंगल डेविएट हुई है, क्या ये वाला एंगल डेविएट हुई है कि नहीं हुई है. अच्छा एक बात बताओ, ये रे वर्टिकल से 30 का बना रही क्या, या ये वाला एंगल 60 होगा अब. यस सर. कलर से ले लेता हूँ, क्या ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री होगा. तो अगर ये वाला 60 होगा तो क्या ये वाला भी 60 होगा. तो अगर ये वाला 60 है, आप देखोगे यहाँ पे ये वाला अगर 30 है, ये वाला 30 है वर्टिकल से, तो क्या ये वाला 60 होगा. मुझे अगर ये टोटल डेविएशन चाहिए, ये वाला एंगल क्या बोलता है, डेविएशन होता है. तो अगर मुझे डेविएशन चाहिए, क्या मेरा 60+60 होगा. तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है. सब लोगों का गलत करवा दिया मैंने, आपने देखा ही नहीं क्वेश्चन. ऑन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डायरेक्ट 30 डिग्री आंसर दे दिया, मुझे पता था सब गलती करेंगे. समझ में आया. यस यस सर. ओके इस क्वेश्चन को जरा इमेज बनाओ. जरा इमेज कैसे बनेगी, कोशिश करो खुद से. इमेज कहां पे बनेगी. अब कुछ तो बोल रहे होंगे सर मिरर तो नीचे रह गया, कैसे बनाए, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि बनाओ. बना किसी का कि हवा निकल गई सर, इस स्ट्रेट लाइन पे बनेगी एंड में. देखो यार कहां बननी चाहिए, क्या ऐसा होता है ना कि पंखा आपका ऊपर है और ड्रेसिंग टेबल उससे नीचे है, तो पंखा आपको ड्रेसिंग टेबल में दिखता है. दिखता है कि नहीं दिखता है. यस सर. दिखता है ना. ऐसा होता है. इसका मतलब इमेज तो कहीं ना कहीं बन रही है मिरर की वजह से.
इमेज तो कहीं बनना ही है। आपने घर पर देखा है ये सारी चीजें, मिरर के सामने जो चीज नहीं है, इधर उधर है या ऊंची है उससे या उससे नीची है, वो सारी चीजें भी मिरर के अंदर दिखती है। क्यों दिखती है, कैसे दिखती है, इस वाले फिगर से आपको समझ में आएगा। बताऊं मैं, मुझे पता है ज्यादातर लोगों से नहीं आएगा। देखो, क्या मैं बोल सकता हूं इमेजिनरी, मान लिया कि मेरा मिरर यहां तक था, इमेजिनरी, ये मैंने माना ऐसा एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में है नहीं, तो हमने इससे क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला, जस्ट परपेंडिकुलर डाला। ये लाइन कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री, कितना बना रही है, 90 डिग्री। क्या इससे एक लाइट जा सकती है जो कि मिरर पर जाके टकराए, जा सकती है कि नहीं जा सकती? यस सर। यस सर। क्या ये वाली लाइट, मान लो ये आपका नॉर्मल है, ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई, होगी कि नहीं? Yes, इस लाइट को देखोगे कहीं कहीं जाके यहाँ पे जाके इस लाइन को मीट कर रही है, कर रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आप और लाइट डालना चाहते हो तो और भी डाल दो, मान लो एक और लाइट चली गई यहाँ पे जाके टकराई, और इससे जो लाइट टकराए निकलेगी वो भी जाके कहीं कहीं इस पे जाके मीट करेगी, ये लाइट। समझ में आई बात? Yes, sir. आपकी इमेज कहाँ बनी, इमेज कहाँ बनी, ये रही आपकी क्या इमेज। लेकिन आपको, अगर आप यहाँ पे खड़े हो ना, अगर आप आंख से यहाँ पे देख रहे हो, मान लो ये कौन है, ये हर्ष है, हर्ष की थोड़ी हेयर स्टाइल बना दूं, बाल थोड़े खड़े हुए हैं, पैसे देके सिस्टर ने पैसे सारे छुड़ा लिए हैं और सिर्फ बाल पकड़ के मार भी लगाई है, पैसे कम दे रहा था ना हर्ष, ठीक है हर्ष, ऐसा हुआ है क्या? नो सर। ठीक है, तो देखो आपको यहां से देखने पर लगेगा कि पंखा कहीं यहां से कहीं आ रहा है, लेकिन आपको पंखा ऊपर है, लेकिन फिर भी आपको मिरर के अंदर देखे जाता है कि नहीं देखे जाता है? यस यस सर। जो चीजें पंखे मिरर से ऊपर हैं, वो सारी चीजें भी आपको पंखे की उसमें मिरर में दिख जाती है। क्यों दिख जाती है, रीजन समझ में आ गया कैसे दिख जाती है? जिस भी चीज से कि से लाइट टकरा के आ रही है, मिरर पे पड़ेगी और वो टकरा के हमारी आंखों तक भेज देगा ना, तो वो सारी चीजें हमें दिखाई देंगी मिरर के अंदर। क्लियर है? यस सर। अब देखो, क्या ऐसा होता, शीशा टेढ़ा भी तो हो सकता है, कभी देखा होगा आपने कि ऐसे, मान लो देखो, मान लो आपके घर में छोटा वाला शीशा है, किसी घर में छोटा वाला है, ऐसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल को ले लेता हूँ, इतना बड़ा शीशा है, इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा शीशा है, तो उसको ऐसे देख रहे हो, क्या कभी ऐसा होता है ऐसे ऐसे टेढ़ा करके देखते हैं, पैर नहीं दिख रहे हैं, हाँ थोड़ा सा स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, कहीं जा रहा हूँ मतलब स्मार्ट तैयार हो गया अच्छे से, देखते हो कि नहीं देखते सब लोग? मैं तो देखता हूँ। हाँ, तो क्या शीशा टेढ़ा भी तो हो सकता है, तब कैसे इमेज बनती है, बना के दिखाओ जरा इसको। यहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, सबसे पहले परपेंडिकुलर, मुझे पहले से ही पता है वैसे, मान लो इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो मेरी इमेज कहीं 5 सेंटीमीटर पर बनेगी, इस परपेंडिकुलर पर बनेगी कि नहीं? Yes, sir. Yes. अब मुझे सिर्फ ये डायग्राम के थ्रू दिखाना है मुझे, भाई हमें पता है एक्चुअल में हम करते क्या है, एग्जाम में हमें पता है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे बनेगी, हम रे ऐसी डालते हैं, जैसे मान लो मैंने रे यहाँ पे डाली, अब यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे हुई ना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इससे पहले पास करा दूंगा, ये 5 सेंटीमीटर है, पहले इससे पास करा दूंगा उसको रिफ्लेक्ट करवा के एक्सटेंड करके, अब इसको रिफ्लेक्ट करा दो, अब ये रे गई भाई साहब। जब एग्जाम में आप करोगे ना ऐसे करोगे, जैसे मान लो एक और रे लो, कहीं भी ले लो, चलो इधर ले लेते हैं रे, मान लो इधर रे आई है,
यहां से ये रे भी रिफ्लेक्ट होके किससे पास होनी चाहिए, इसी पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो ये रे कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, समझ में आएगी नहीं? ये क्या आपकी, ये क्या आपकी इमेज है? इमेज कौन सी? वर्चुअल, क्योंकि रे आपकी एक्चुअल में मीट नहीं करेगी। क्या ये रे कभी आगे मीट कर सकती है आगे? एक ये रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, ये येलो, येलो रिफ्लेक्टेड रे और ग्रीन रिफ्लेक्टेड रे, क्या ये कभी मीट कर सकती है? क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर की ना, क्योंकि ये डाइवर्जिंग नेचर की है बेटा। डाइवर्जिंग नेचर मतलब एक दूसरे से दूर जा रही, तो ये इनफाइनाइट पे जाके भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे, इसीलिए ये रे कभी जाके नहीं मिलेंगे। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन करो आप जरा, और मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। जैसे इसके कोऑर्डिनेट में बोलूं क्या है मेरा, 2.4 है कि नहीं है, सॉरी 2.4 नहीं, प्लस के 2 है, माइनस के, रुको रुको, माइनस के 4.2 है, क्योंकि एक्स माइनस का है, ये माइनस का एक्स है ना, ये माइनस के वाई है, तो माइनस के एक्स प्लस के वाई है, तो मुझे इसके इमेज के कोऑर्डिनेट चाहिए, जरा बताओ। अरे वैसे भी बता सकते हो आप बिना सॉल्व किए, प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस 2 प्लस का 4 और प्लस का 2 एग्जैक्टली। देखो यहां से क्या होगा, हमारा सेम हाइट पे जाएगा, सेम हाइट पे हमारा इमेज जाएगा और सेम डिस्टेंस पे जाएगा। ये वाली डिस्टेंस हाइट क्या होगी, 2 सेंटीमीटर, और ये वाली हाइट क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हो क्या होगी, अब इसका कोऑर्डिनेट 4.2 आप, या फिर आप रे डायग्राम बना लो ऐसे करके, जैसे एक तो इसके परपेंडिकुलर गिराओ, एक परपेंडिकुलर गिरा दो ऐसे करके, परपेंडिकुलर गिरा दो, इसी पे एक रे ऐसे ऐसे गई और एक वापस चली गई, इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे बना दिया, और एक और रे बना दो कोई यहाँ पे इसको गिरा दिया, मान लो इसको ये एक्सटेंड करके, और ये वापस चली गई, ये रे डायग्राम बन गया इसका। क्लियर है? Yes, अब आप एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको क्या करना है, इसका एक्सटेंडेड फॉर्मेट बनाना है। इजी, आप अभी भी बना दोगे, एक मिनट बना दोगे इसको। ये चार क्वेश्चन है आपके होमवर्क में, चार क्वेश्चन और है होमवर्क में, ये चारों क्वेश्चन करने हैं। और आप अब हमें बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले क्या पढ़ा था, ऑप्टिक्स पढ़ा, उसके बाद लाइट, ऑप्टिक्स में भी दो पार्ट देखे थे ना, वेव और रे, लाइट, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर वर्चुअल इमेज इन प्लेन में, वर्चुअल इमेज, या फिर बोले इमेज फॉर्मेशन, ये भी तो बोल सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन, फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलो या एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा है, एग्जाम्पल्स किए थे और कुछ क्वेश्चन भी थे। इतने में एनी डाउट? नो सर, ये ओनली अभी आज बेसिक हुआ है, बहुत बेसिक, मतलब ये मान लो आपका अभी तक हाई स्कूल लेवल हुआ है, हाई स्कूल लेवल का हुआ है, अभी बोर्ड लेवल का कोई क्वेश्चन शायद ही कोई क्वेश्चन हो पाएगा अभी 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 आज की क्लास में, इसलिए इसमें प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इस लेवल का क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा एग्जाम में, ठीक है? लेकिन आज का जो है ना वो जान है पूरी, प्लेन मिरर की, इसी के बेस पे स्फेरिकल मिरर आएगा, फिर उसके बाद और भी लेंसेस आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन बेसिक यहीं से चलेगा, ठीक है? ओके ओके बच्चों, फिर चलते हैं, आज तो आपकी 5 मिनट पहले छुट्टी हो रही है। अच्छा वंदन ऑफर है आज का 5 मिनट पहले। थैंक यू सर, यू वेलकम, बाय बच्चों, थैंक यू सर, यू वेलकम, बाय बाय एवरीवन, बाय।